एक और खास बात बताते हैं आपको कि दो तहसील है, एक तरफ अरनास और एक तरफ भुमाग। ये पुल उन दोनों तहसीलों को जोड़ती है, क्योंकि एक तरफ का हिस्सा जम्मू में पड़ता है, जो दोनों जम्मू में पड़ते हैं, लेकिन एक तरफ की तहसील दूसरी है, एक तरफ का तहसील दूसरा है। अब बात होती है इसके वेल्डिंग लेंथ को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि जो वेल्डिंग लेंथ है इसका, अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो वो पहुंच जाता है जम्मू से लेकर दिल्ली तक की दूरी वो तय कर सकता है। यानी सिर्फ इकलौते इस ब्रिज की जो वेल्डिंग लेंथ है वो इतनी ज़्यादा है। कितनी है जी इस ब्रिज की जो पूरी वेल्डिंग की जो लेंथ है, अगर हम बात करें सिंगल रन में तो 584 मीटर के आसपास है, किलोमीटर आसपास है, और अगर हम मल्टीपल रन्स में किया जाए तो ये काफ़ी आप 1500 से 2000 किलोमीटर की वेल्डिंग बोल सकते हैं। इस वेल्डिंग की जो यहाँ पे जो वेल्डिंग हमने इस ब्रिज में इस पूरे स्ट्रक्चर में की है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही खास है। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेसेस किए गए हैं पहले फर्स्ट टाइम रेलवे में, जैसे FCAWF फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का यूज़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये हमने यहाँ पे वर्कशॉप्स अगर आप देखेंगे बकलर कोड़ी में यहाँ पे डेवलप किए गए, और जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की यूज़ किया गया, और उनकी वजह से ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं वेल्डिंग जहाँ पे आप लोग वेल्डिंग ये वो हिस्सा है। जी ये जो वेल्डिंग आप देख रहे हैं SAW की वेल्डिंग से जो हमने कार्य किया है, ये वेल्डिंग अपने आप जो लेंथ है इसकी लंबाई आप कह रहे हैं जी 84 मीटर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जो सिंगल वेल्डिंग है इतना ही नहीं, ये डेक की नहीं, पूरे ब्रिज की जितना भी स्ट्रक्चर हमारा यूज हुआ है पूरे इस्तेमाल जी, तो टोटल जो हमारा वेल्डिंग का क्वांटिटी जो हुआ है 30,350 टन का स्टील यूज किया गया इस पूरे ब्रिज को करने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और उसमें 584 किलोमीटर का वेल्डिंग लेंथ इसमें किया गया है पूरे सेगमेंट्स, क्योंकि पूरा जो सेगमेंट्स जो हुए हैं और जो पियर बने हैं आपस में वो पूरा वेल्डिंग से ही बना है। बाद में जो सेगमेंट्स बनने के बाद उनको ज्वाइन किया गया है, उसमें भी बहुत ही खास करके बोल्ट्स यूज किए गए, HSFG बोल्ट बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट 10.9 ग्रेड के, जो कि 3,10,000 के बोल्ट्स यूज किए गए इस पूरे ब्रिज को बनाने के लिए। और ये जो आंकड़े ये दे रहे हैं, ये जम्मू से दिल्ली तक की दूरी हो जाएगी 584 किलोमीटर, उतनी वेल्डिंग जो है, उतनी किलोमीटर की वेल्डिंग इस ब्रिज पर जो है वो की गई है। इस ब्रिज को कहते हैं कि ये भारत की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है। इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच में, ये चुनौती से कम नहीं था। कैसे एक्सेप्ट किया, लग रहा था कि ये सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें रही, लेकिन सबका एक ही एम था, गोल था कि इस जैसे पुल को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो डे वन से सारे जो इंजीनियर्स हैं, खास करके हम लोग, मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के इंजीनियर्स जो अलग अलग भिन्न स्टेट से आए हैं, यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट हुआ कि इकट्ठे जॉइंटली काम किया गया दिन रात करके। और इस ब्रिज को मैं हमेशा यही सबसे बोलता हूँ कि ये क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालयाज है, और इस टाइप का जो ब्रिज है वो वंस इन ए लाइफ टाइम बनता है। और इसको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा नमूना है आज के टाइम में, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग हुई है, जो भी यहाँ पे काम किया गया है, उसमें भारतीय इंजीनियर्स का काफ़ी योगदान रहा है। और इसीलिए कहते भी हैं कि भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे सबसे उम्दा नमूना है, क्योंकि पीर पंजाल की पहाड़ियों में अगर आप देखेंगे हर तरफ पहाड़ी दिखेगी आपको, और ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर जब इस ब्रिज की कल्पना की गई तब लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ये ब्रिज बनकर तैयार है। अब पूरे देश को इंतज़ार है कि कब इस पर ट्रेन दौड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द इस पर पटरी बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। गोल्डन जॉइंट हमने दिखाया है किस तरीके से जोड़ दिया गया है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं और काम यहाँ पर लगातार चल ही रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये रेलवे का सबसे कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और रेलवे भी देख रहा है जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनने के साथ ही भारत के पास वो रिकॉर्ड होगा। हालांकि ब्रिज बनाने का तो है ही, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलाने का भी रिकॉर्ड जो है वो भारत के पास ही होगा।